हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हमारा पहला लेसन इट इज रोटेशनल मोशन का सेकंड पार्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन है, सबसे पहला आता है हमारा व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक में व्हीकल किस तरह से, उसका स्पीड रहना चाहिए, उसका उसके वेट क्या है, एमजी क्या, ये सब हम लोग देखेंगे। तो फिगर 1.4, सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे फिगर पे। तो फिगर 1.4 में हमको क्या दे करके कि ये व्हीकल है हमारा, ये जो ये हमारा व्हीकल है और ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है जिसका सेंटर है सी, और सेंटर सी और सर्कुलर ट्रैक से लेकर के जो रेडियस है वो रेडियस हो गया हमारा आर। अब ये जो व्हीकल है क्या दे करके, फिगर 1.4 शोज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कार ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। रेडियस जो इसका आर है, प्लेन ऑफ द फिगर इज अ वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द ट्रैक बट इंक्लूड्स ओनली सेंटर सी ऑफ द ट्रैक। तो सेंटर जो रहेगा सी रहेगा उस प्लेन में। अब इसमें फोर्स क्या क्या एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द कार आर। तो दो फोर्स एक्ट, तीन फोर्स एक्चुअली एक्ट कर रहा है। एक हो गया हमारा वेट एम जी इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ है वेट एम जी। दूसरा देकर के नॉर्मल रिएक्शन एन वर्टिकली अपवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो नॉर्मल रिएक्शन एन जो है ये ऊपर की तरफ है और ये बैलेंस किसको कर रहा है, ये हमारे वेट को बैलेंस कर रहा है। इसलिए दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ है और वेट जो है वो नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस इज द वेट एम जी। और तीसरा हमको दे करके है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किसके बीच में, बिटवीन द रोड एंड द टायर, रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग लिख रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो तीसरा वाला जो रहेगा ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ पे है, एक्चुअली इसका काम क्या है, दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज इट प्रिवेंट्स द व्हीकल फ्रॉम आउटवर्ड स्लिपिंग और स्किडिंग। तो फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन क्या करता है, वो स्लिप होने से रोकता है। जैसे हमको चलने में भी फ्रिक्शन की जरूरत होती है, वैसे ही व्हीकल को चलने के लिए, ड्राइव करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है, उस फ्रिक्शन को हम लोग कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स विच इज सेंट्रीपेटल। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स रहेगा और जो सेंट्रीपेटल है, और ये सेंट्रीपेटल का मतलब हमने पहले ही पिछले वीडियो में देख चुके हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब क्या रहेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इससे इसका डायरेक्शन कहाँ पे, इसका डायरेक्शन जो है सेंटर के तरफ है। अब ये किस तरह से काम कर रहा है वो हम लोग देखेंगे, मतलब इसका इक्वेशंस देखते हैं वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे हमको देकर के है कि जो हमारा n है, n इज इक्वल टू क्या रहेगा, n इज इक्वल टू mg इक्वेशन वन, मतलब n जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है वेट को बैलेंस कर रहा है, इसलिए n इज इक्वल टू mg। नेक्स्ट इक्वेशन हमको क्या देकर के, स्टैटिक फ्रिक्शन fs, fs इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये एम आर ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया, ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे देख करके इट बैलेंसेज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन। तो क्या आएगा हमारा इक्वेशन टू क्या है, एफ एस, तो एफ एस बाय एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय एम जी। एम जी आ जाएगा इक्वेशन वन में है, फिर क्या होगा, एम आर एम कट जाएगा, फिर हमारा क्या रहेगा, एफ एस बाय एन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। तो ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट, अगर हम लोग एम आर ओमेगा स्क्वायर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एम वी स्क्वायर बाय आर लेंगे तो क्या आएगा, सेम इक्वेशन एफ एस बाय एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर बाय एम जी। तो बाय एम जी को हम लोग लिख सकते हैं बाय एम जी, क्या हो जाएगा फिर इसमें, ये हमारा हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर
एम जी एम आर जी मतलब एम जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एम जी इंटू आर हो गया, फिर एम एम कैंसिल हो गया, तो फिर एफ एस बाय एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी। तो ये हो गए हमारे दो इक्वेशन। फिर हमको क्या लेकर के कि यहाँ पे जो है एम और जी कांस्टेंट रहेगा, एम और जी हमारा कांस्टेंट है, फिर कांस्टेंट रहने से क्या होगा, दस द स्पीड वी इंक्रीजेस, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस ऑल्सो इंक्रीजेस, अगर स्पीड बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं कि एज एफ एस क्या हो रहा है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, तो एज एफ एस हैज एन अपर लिमिट एज एफ एस हैज एन अपर लिमिट तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन। तो एफ एस मैक्स मतलब कोई स्टैटिक फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम रहना चाहिए, वो डिपेंड करेगा हमारा म्यू एस एन, मतलब म्यू एस क्या है हमारा, म्यू एस हो गया हमारा वेयर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कितना फ्रिक्शन रहना चाहिए उसका कोएफिशिएंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन एन के ऊपर डिपेंड करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके ऊपर, बिटवीन द बिटवीन रोड एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल। फिर क्या आएगा, बिटवीन रोड्स एंड टायर्स, बिटवीन रोड्स एंड टायर्स टायर्स। अब हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं, तो फिर दिस इंपोजेस एन अपर लिमिट टू द स्पीड वी एट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड वी एस, वी एस हो गया हमारे यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, दस एफ एस मैक्स बाय एन, तो कैसे आएगा वो, ये एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन है, तो फिर ये एन जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है उसको इक्वल टू किधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा एफ एस मैक्स एफ एस मैक्स बाय एन इज इक्वल टू म्यू एस। वैल्यूज पुट करते बी, क्या आएगा, हमको पता है कि एफ एस बाय एन इज इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बाय आर जी है, तो उस वैल्यू को हम लोग लिखते, तो क्या आएगा, ये इधर से लिख रहे एफ एस बाय एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, एफ एस बाय एन मैक्स एफ एस मैक्स बाय एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर मैक्स बाय आर जी, क्योंकि मैक्स है यहाँ पे, मैक्स आ गया। अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड एफ एस मैक्स बाय एन, यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड एफ एस मैक्स बाय एन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहा तो क्या रहेगा, राइट हैंड साइड इक्वल रहेगा, तो फिर हम लोग लिख सकते देयर फोर म्यू एस, राइट हैंड साइड हमारा इक्वल है, देयर फोर क्या आ जाएगा हमारा, कैन यू गेस, देयर फोर वी स्क्वायर मैक्स बाय आर जी इज इक्वल टू म्यू एस, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया। अब ये जो है हमारा आर जी डिवाइड डिविजन में है, इसको इक्वल टू किधर लेके जाएंगे, तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट करते तो क्या आ जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और वॉल ऑफ डेथ मतलब मौत का कुआं, मौत का कुआं हम लोग अक्सर कहां पे देखते हैं, सर्कस में देखते हैं, जहां पे एक बड़ा सा एक कुआं टाइप का रहता है, उसके अंदर बाइकर बाइक चलाते हैं, कार चलता है बाइक चलता है, फिर भी वो गिरते नहीं है,
तो उसमें उनका जो स्पीड रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, वो किस टेक्निक का यूज करते हैं, किस तरह से वो व्हीकल चलाते ताकि वो नीचे नहीं गिरते, तो वो सब भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज अ वर्टिकल सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस आर, इसका जो रेडियस रहेगा आर रहेगा, इनसाइड विच अ व्हीकल इज ड्रिवन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल दिस कैन बी सीन इन स्टंट्स। तो एज शोन इन द फिगर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस व्हीकल के ऊपर, तो व्हीकल हमारा कहाँ पे, इस जगह पे हमारा व्हीकल है, ये जो पार्ट है ये हमारा व्हीकल का पार्ट है इस पॉइंट में। तो व्हीकल एक्टिंग फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, एक रहेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो नॉर्मल हमने पहले भी देखा था, नॉर्मल जो रहता है वो रास्ते के साथ रहता है, तो यहाँ पे रास्ते की जगह में हमारा क्या है, कुआ है, तो कुएं के परपेंडिकुलर लेंगे हम लोग, तो कुएं का परपेंडिकुलर ये है और ये हमारा सी सेंटर है, इसलिए इसका डायरेक्शन जो रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। सो एन नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेकेंड फोर्स दे करके हमको वेट, वेट एम जी एक्टिंग इन अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट जो रहेगा एम जी वो नीचे की तरफ रहेगा। और तीसरा देख करके हमको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी कोएफिशिएंट नहीं, फोर्स, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, और ये जो फोर्स है बिटवीन द वॉल एंड द टायर्स, टायर और वॉल के बीच में का ये फोर्स रहेगा, तो ये हो गया हमारा एफ एस, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज इट हैज टू प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लिपिंग, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहा तो क्या होगा, गाड़ी जो रहेगी वो नीचे गिर जाएगी, इसलिए इसको रोकने के लिए ये वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बैलेंस कर रहा है। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम जी एंड दिस इज ऑनली द अपवर्ड फोर्स। डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन में हमको क्या दे करके, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो हमको पता है, वी नो दैट, वी नो दैट एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एन मतलब हमारा नॉर्मल रिएक्शन और एम आर ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल एन टुवर्ड्स द सेंटर है, तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कहां पर रहेगा, आउटसाइड रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन नंबर वन। तो एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं या तो फिर हम लोग एम वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। सेकंड क्या देकर के हमको, सेकंड इक्वेशन क्या आएगा हमारा, एफ एस इज इक्वल टू एम जी, एफ एस इज इक्वल टू एम जी, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू वेट। फिर यहां पर देकर के फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, ये हमेशा इक्वल रहेगा या तो फिर कम रहेगा, लेस देन म्यू एस एन, जहां पे म्यू एस हमारा क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन जो रहेगा वो नॉर्मल रिएक्शन, इज इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। अभी इसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर क्या आ जाएगा, एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। अभी एफ एस के जगह में हम लोग क्या डालेंगे, एम जी डालेंगे, क्योंकि एफ एस की वैल्यू क्या है, एम जी है, एफ एस के जगह में हम लोग क्या डालेंगे, एम जी डालेंगे, तो क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू, एम जी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस, और एन के जगह में एन की वैल्यू पुट करेंगे, एन क्या है हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर, एन क्या है हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर, तो इस एन के जगह में हम लोग डालेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या कट हो जाएगा, हमारे दोनों तरफ से एम और एम कट जाएंगे, फिर क्या बच रहा है, जी, देयरफॉर जी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर बाय आर, आर डिविजन में है वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और म्यू एस मल्टीप्लीकेशन में है वो डिविजन में आ जाएगा, तो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी आर बाय म्यू एस इज इक्वल टू इज लेस देन और इक्वल टू वी स्क्वायर, स्क्वायर इंच करके लिखेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी आर बाय म्यू एस, जी आर बाय म्यू एस। अभी हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेते हैं, क्योंकि हमको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, इसलिए टेकिंग स्क्वायर रूट आ जाएगा, और मिनिमम वेलोसिटी मतलब वी मीन भी आ जाएगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट वी मिनिमम वेलोसिटी, वी मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट आर जी बाय म्यू एस, आर जी बाय म्यू एस, ये हो जाएगा हमारा मिनिमम वेलोसिटी, जितना
कि वो राइडर को चाहिए ताकि वो मौत के कुएं में इजिली घूम सके बिना गिरे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे हमको क्या लेकर के, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। अब बैंक्ड रोड मतलब क्या होता है? तो हम जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में देख करके, एज सीन अर्लियर व्हाइल टेकिंग अ टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, व्हाइल टेकिंग अ टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल रोड में अगर जाएंगे तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा? वो बिटवीन द, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किस कहाँ रहता है? बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें? हमको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, बैलेंसेज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस भी करेगा। हाउएवर द फ्रिक्शनल फोर्स इज एन अपर लिमिट ऑल्सो, ऑल्सो क्या है, इट्स वैल्यू इज यूजुअली नॉट कॉन्स्टेंट एज द रोड सर्फेस इज नॉट यूनिफॉर्म। तो रोड का सर्फेस यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, रहता नहीं है हमेशा, इसकी वजह से ये वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। इसीलिए इन रियल लाइफ वी शुड नॉट डिपेंड, इन रियल लाइफ वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अपॉन इट एज फार एज पॉसिबल। तो जितना पॉसिबल है हम लोग इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो इस, तो फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है फॉर दिस पर्पज? तो सोल्यूशन हमारा, फॉर दिस पर्पज द सर्फेस ऑफ द कर्व्ड रोड्स आर टिल्टेड विद द हॉरिजॉन्टल विद सम एंगल दैट इज थीटा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल रोड रहेगा उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, उसको बेंड करेंगे, टिल्ट करेंगे, और वो जो एंगल रहेगा वो थीटा। अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि अगर हमारा ये हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये हमारा क्या है, वर्टिकल रोड है। अब ये वर्टिकल नहीं है, ये टिल्ट किया हुआ रोड है। ये एक्चुअली कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जब सपोज इस जगह पे जो रहेगा ये हमारा एक पहाड़ की तरह देख करके, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ये पहाड़ वाला टाइप, ये पहाड़ है इस तरफ है। तो फिर इस तरफ क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा खाई रहेगा, यहाँ से गाड़ी नीचे गिर सकती है, जहाँ से एक्सीडेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहता है, यहाँ से गाड़ी नीचे गिर जाएगी। तो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे जो है हम लोग इस तरह से रास्ते को जो है थोड़ा सा टिल्ट करके बनाते हैं। रास्ता जो रहेगा यहाँ पे ऐसा बेंड करके हम लोग रास्ता ड्रॉ करेंगे, ये इसको बेंड किए। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स या बैंक्ड रोड। और जिस एंगल में उसको हम लोग बैंक कर रहे हैं, मतलब उसको एक तरफ से जो उठा रहे हैं, अब ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड्स, और द रोड इज सेड टू बी बैंक्ड। फिगर 16.1.6 शोज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द व्हीकल। तो ये हमारा व्हीकल हो गया जिसका ऑन अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर बैंक एट एन एंगल थीटा। तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया थीटा। अब इसको हम लोग पढ़, इसको हम लोग डिटेल में भी डायग्राम की तरफ देखते हैं। तो कंसिडर रिंग द व्हीकल टू बी द पॉइंट एंड इग्नोरिंग द फ्रिक्शन एंड अदर। तो फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे और दूसरे फोर्सेस जैसे कि एयर रेसिस्टेंस को अगर हम लोग इग्नोर कर देंगे तो फिर इसमें दो फोर्स रहेंगे बचेंगे। तो पहला वाला फोर्स है वेट एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। वेट एम जी कहाँ पे रहेगा, ये वर्टिकली नीचे की तरफ रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन एन ये जो रहेगा परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द रोड। तो ये हमारा रोड सर्फेस है, रोड सर्फेस के साथ ये एन जो रहेगा हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। एज द मोशन ऑफ द व्हीकल इज अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल सर्कल द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, वो सेंटर के तरफ रहेगा। फिर क्या देकर के, इट मीन्स द वर्टिकल फोर्स मस्ट बी बैलेंस। तो ये जो फोर्स रहेगा एम जी, इसको भी बैलेंस करने की जरूरत है। तो फिर इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लोग देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हम लोग ने क्या किए, ये जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन एन है इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, इसको हम लोग रिजोल्व कर रहे हैं दो कॉम्पोनेंट में। दस वी हैव टू रिजोल्व द नॉर्मल रिएक्शन एन अलॉन्ग वर्टिकल कॉम्पोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। वर्टिकल कॉम्पोनेंट और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट में हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो फिर क्या रहेगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो देकर के, वर्टिकल कॉम्पोनेंट हमारा हो गया एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा बैलेंसेज द वेट एम जी, एन कॉस थीटा बैलेंसेज द वेट एम जी, और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एन साइन थीटा ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हियर देर आर। तो ये जो डेरिवेशन पार्ट है इंपॉर्टेंट है,
इसको नोट कर लीजिएगा सभी। हियर देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल। पहला है हमारा वेट एम जी। वेट एम जी कौन से इसमें है? वेट एम जी जो रहेगा वो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक रहेगा हमारा दूसरा फोर्स वो रहेगा हमारा एन, नॉर्मल रिएक्शन एन। नॉर्मल रिएक्शन एन परपेंडिकुलर टू द, किसके साथ परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस। तो ये हो गया हमारा रोड और ये हो गया हमारा व्हीकल। फिर क्या हो रहा? अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, नॉर्मल एन जो है उसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। सो नॉर्मल रिएक्शन एन इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एक रहेगा हमारा एन कॉस थीटा और एक रहेगा हमारा एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा और ये हमारा एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा कौन सा? एन कॉस थीटा जो रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा एन कॉस थीटा। Which balances the weight mg? Weight mg को जो n cos theta क्या कर रहा है? Weight mg को जो है balance कर रहा है। तो ये derivation के साथ अगर exam में आता है तो मतलब आपको लिखना है angle of banking क्या है, banking of road क्या है, क्यों हम लोग use कर रहे हैं, ये सब लिखना जरूरी है। फिर horizontal component क्या है हमारा? Horizontal component हो गया हमारा n sin theta। Horizontal component n sin theta वो किसको balance कर रहा है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा बीइंग द रिजल्टेंट फोर्स, मस्ट बी नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो वो रिजल्टेंट फोर्स है इसलिए वो क्या रहेगा? वो सेंट्रीपेटल फोर्स रहेगा। अगर वो सेंट्रीपेटल फोर्स रहेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको उसको ऑपोजिट में चाहिए जो रहेगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मस्ट बी सेंट्रीपेटल, must be the necessary centripetal force। मतलब किसको बैलेंस कर रहा है? वो बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इक्वेशंस पे चलते हैं। एन कॉस थीटा, दस वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो हमारा एन कॉस थीटा है ये किसको बैलेंस कर रहा है? एन कॉस थीटा जो है वो वेट एम जी को बैलेंस कर रहा है। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी, वेट एम जी। और दूसरा है हमारा एन साइन थीटा इज इक्वल टू, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और दूसरा हमारा एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर या और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये mg क्या है? हमारा वेट है। अब ये दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। पहला वाला इक्वेशन नंबर वन, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको पता है क्या करना है, इन दोनों को हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन, इक्वेशन टू को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे वन से। तो क्या आ जाएगा हमारा? एन साइन थीटा, पहले इक्वेशन टू लिखेंगे, एन साइन थीटा बाय एन कॉस थीटा,
कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, हम लोग लेंगे कोई भी ले सकते दोनों में से, तो एम वी स्क्वायर बाय आर बाय बाय क्या लेकर के एम जी, तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एम जी, तो एम और एम कट गया, तो यहाँ पे एन और एन भी कट जाएगा, एन और एन कट गया। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या रहता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहता है हमारा टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा है, वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी। अब इसको हमको आगे और लेके जाना है, तो आर जी क्या है यहाँ पे, आर जी जो है वो डिवीजन में है, तो फिर वो इक्वल टू को लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, आर जी डिवीजन में है वो इक्वल टू को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो फिर बन जाएगा हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, या फिर टेकिंग स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे क्या दे करके, यहाँ पे सेम इसके आगे का टॉपिक, इसके आगे चल रहे हम लोग वही आएगा, तो पीछे का मैं थोड़ा सा फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि इसके आगे का एक्सप्रेशन हम लोग समझ सके। तो पीछे क्या था हमारा, एस टेन थीटा इज इक्वल टू, मतलब मैं इस इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, एस टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, फिर उसका टेकिंग स्क्वायर रूट करते, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ गया। अब सेफ्टी स्पीड देखते हैं हम लोग, मोस्ट सेफ्टी स्पीड, मोस्ट सेफ्टी स्पीड क्या देकर के, फॉर अ पर्टिकुलर रोड r एंड थीटा आर नॉट फिक्स्ड, तो r और थीटा तो फिक्स रह ही नहीं सकता, अलग अलग चीज का अलग अलग रोड का अलग अलग रहेगा, तो दिस एक्सप्रेशन गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट सेफ्टी स्पीड, तो मोस्ट सेफ्टी स्पीड क्या रहेगा, वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये हो गया हमारा मोस्ट सेफ्टी स्पीड, तो वी एस लिख रहे हैं हम लोग मोस्ट सेफ्टी स्पीड के लिए। नेक्स्ट देख करके हमको यहाँ पे बैंकिंग एंगल, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग क्या रहेगा, मैंने पहले बताया कि जितना हम लोग टिल्ट करेंगे उस रोड को हॉरिजॉन्टल से, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग को डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से, डिनोटेड बाय थीटा। व्हाइल डिजाइनिंग द रोड दिस एक्सप्रेशन हेल्प्स अस इन नोइंग द एंगल ऑफ बैंकिंग, एज एंगल ऑफ बैंकिंग कितना रहना चाहिए हम लोग को इससे पता चलता है, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन लेते हैं, वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू, कौन सा, वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, तो फिर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आर जी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, वो इधर डिविजन में आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी टेन थीटा आ गया, हमको थीटा चाहिए, एंगल ऑफ बैंकिंग चाहिए, therefore theta is equal to क्या आ जाएगा, tan inverse of, tan इधर आएगा तो inverse हो जाएगा, tan inverse of v square by rg, तो ये हो गया हमारा angle of banking, road कितना bank रहना चाहिए, bank मतलब उसको कितना हम लोग tilt कर सकते ताकि वो safe रहना चाहिए, तो वो theta is equal to tan inverse of rg, तो safety speed क्या है, v square v s is equal to under root rg tan theta, और तीन equation है, tan theta is equal to v square by rg, वो हो गया टेन थीटा, फिर वी एस हो गया हमारा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, और एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करना ना भूले, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यह नया सिलेबस है, तो और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे टीचर्स जो है बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे और बच्चों को इसमें लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो बना रहे वो वीडियो सभी बच्चों के पास पहुँचे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, तभी आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा, और आगे का वीडियो हम लोग, आगे का जो लेसन है, टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।